नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। सिद्धार्थनगर जिले में वन विभाग का नया कारनामा देखने को मिला है। बता दें कि विभाग के कुछ कर्मचारियों ने छोटे बच्चों से धनखरपुर गांव में बनी सरकारी पौधशाला में काम कराया और बच्चों के काम करने वाले वीडियो को किसी ने बना लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। मामले में जिले के उच्च अधिकारियों का कहना है कि अगर वीडियो सही पाया जाता है तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मामला मेरे संज्ञान में आज ही आया है और मैंने इसको तत्काल अपने SGO से जांच का आदेश किया है। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कोई बाल मजदूरी नहीं कराई जाती है। कभी कभी जो श्रमिक होते हैं, नर्सरी में जो काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे, नाबालिग बच्चे, उनके साथ आ जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग सकता है कि उनके द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी जांच में जो स्थिति आएगी वो हम आपको बात बताएंगे। कई रुपया रोज देते हैं काम करवाते? 350। कौन सा किसका है ये काम? नर्सरी विभाग का है। हाँ। कौन देता, कौन रखा है तुम लोगों को? ननकू। ननकू कौन है? मनगवा का है। अच्छा, जाओ जिया। कई रुपया देते हैं काम करवाते हैं? हम मजदूरी करते हैं। कई रुपया? 200। दिन का विश्व प्रसिद्ध जल महल अद्भुत मीनाकारी के लिए पूरे उत्तर भारत में अद्वितीय है, जहां हर साल ब्रज महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस बार महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, इसके साथ ही महल में रंगीन फवारे भी चले, जिसको देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो ब्रज होली महोत्सव है, उसके तहत आज 16 और 17 अक्टूबर तारीखों को डीग, कुम्हेर, भरतपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और डीग में रंगीन फवारों का संचालन किया गया है। उसके साथ ही अन्य गतिविधियाँ भी जो है पर्यटन विभाग से की जा रही है। बहुत ही जनता में भी उल्लास है और बहुत से पर्यटक भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और निस्संदेह यह बिल्कुल एक अभूतपूर्व जो संचालन है वो होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो क्षेत्र में पर्यटन है उसकी भी जो संभावनाएँ हैं वो इंक्रीज होगी। हिंडोन सिटी क्षेत्र के गांव में कीर्ति मोशन पिक्चर के बैनर तले शूटिंग हुई फिल्म रिस्कनामा रिलीज हो गई है, जिसे देखने गांव से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल देश के कई राज्यों सहित क्षेत्र के कई गांव में शूट हुई बीती 15 मार्च को रिलीज हो गई, जिसे देश के कई सिनेमा घरों सहित करौली जिले के हिंडोन में एकमात्र सिनेमा घर गीता टाकीज में फिल्म का मुंबई से सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, जिसमें दांतकापुरा सहित आसपास के गांव से ग्रामीण हिंडोन के गीता टाकीज में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। इस फिल्म को दर्शाया गया है, उसमें एक गांव की इज्जत और मान सम्मान के ऊपर आदमी रिश्ता ले लेता है, बैठ के शराब पीते हुए या कैसे भी उसके घर को देखता है, उस बच्चे को नहीं देखता जिसके साथ उसकी बेटी रहेगी। तो सरपंच के भाई का रिश्ता ले लेता है, सरपंच का भाई नशेड़ी होता है, गाँव में उत्पात मचाता है, लड़कियों को छेड़ता है। सरपंच का इसमें आदेश होता है कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा, और उसका भाई गांव में गलत काम करता है। तो ये समाज की पुरानी रीति नीति है, अंधविश्वास है, उसको हमने इसमें दिखाया है, दर्शाया है। लेकिन आपने इस फिल्म में एक चीज़ भी दिखाई है कि छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध है, तो ये गांवों में उसका कारण ये बड़े घर को अपने आप पर छुपाने के लिए कि मेरा घर वो लड़की कहीं छोड़ के और अपने पियर नहीं चली जाए, इसलिए उसको छुपाने के लिए सरपंच ने अपने संबंध, जहाँ ससुर भी बनाता है, सरपंच जो भी है वो उसने जो बनाए थे वो मेरे नॉलेज में गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने खानदान को बचाने के लिए कैसा भी बुरा काम कर सकता है इंसान। गांव में तो लोग इसका एतराज भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये गांव में लोग जानते हैं, गांव में ये सब दिखाई जा रही है, ये गांव में प्रमाण है, सब चीज़ हम सही दिखाते हैं। हम तीन इस KMP में हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा में स्वयं हूँ जो कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर हूँ, और विष्णु मेरा भाई अरुण है, और महेश अपना सचिन भाई है। उसके बाद जितना प्यार और जितना वो चीज़ यहाँ मीडिया से लेके गांव से लेके शूटिंग में जो मिला, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में वो चीज़ है जो कहीं भी अदर कंट्रियों में नहीं है। आप शूटिंग करने के लिए जो चीज़ यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगी आप। यूपी के कौशाम्बी में लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने जिले के प्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बिजली नहीं तो वोट नहीं की आवाज बुलंद की थी, तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चायल विधानसभा क्षेत्र के मोहिदीनपुर भौगरी गांव में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के स्लोगन के साथ अपनी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है।
जो आप लोगों ने नारा दिया है रोड नहीं वोट नहीं, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारे गांव की जो मेन रोड है लिंक रोड है, ये करीब 20 सालों से बनी थी पहले, जो कि अभी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। और विधायक सांसद से कोई काम नहीं आया है हमारा, और कुछ भी नहीं, कोई कार्य, एक पैसे का ना हैंडपम्प ना सोलर ना किसी तरह का कोई विकास की चीज़ें नहीं मिली है हम लोगों को। इस बार हम पूरे गांव वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम? हाँ, राम सेवक प्रधानपति। ग्राम? बहुगरी, मोदीपुर बहुगरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और उन्होंने एक डेलीगेशन भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उनकी इस शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक जांच कमेटी का गठन किया और यह जांच कमेटी आज रामपुर पहुंची और लोगों के बयान दर्ज किए। माननीय चुनाव आयुक्त ने हमें OIG मुरादाबाद को पत्र के माध्यम से एक शिकायती पत्र समाजवादी पार्टी का भेजा है और इस पत्र में जो प्रार्थना पत्र लगे हैं उनकी जांच करना, जांच के कौन कौन से पहलू हैं उनको देखना और देखने के बाद चुनाव आयुक्त को अपनी संयुक्त रिपोर्ट भेजना, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी तक जितने प्रतिनिधिमंडल आए उनको सुना गया, अभी कुछ लोग बाहर खड़े हैं उनको भी सुनना शेष है। सारे जनता की चीजों को सुनने के बाद जो इससे संबंधित पत्रावलियां हैं, जो कार्यवाहियां हैं, वो कैसे कैसे हुई, कब कब हुई, इनको देखने के बाद ही किसी सम्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और उस सम्यक निष्कर्ष में जो चीज़ आएगी उसके हिसाब से चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट दी जाएगी। क्या शिकायत थी इनके समाजवादी वालों की? शिकायत के 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं कि सरकारी धन से उर्दू गेट बना तो इसे आनन फानन में गैर कानूनी कार्रवाई करके तोड़ा गया, एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि जो जनता में एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। और तीसरा बिंदु है कि माननीय विधायक श्री आजम खां को जीवन भय है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। काफी गंभीर नेचर के हैं, तो क्या ये आपके जांच के बारे में अधिकारियों का वो आता है, उनका उनकी जांच कर रहे हैं या फैक्चुअल? अरे नीचे करो यार। नहीं, कोई भी जांच होती है तो वो निष्पक्ष जांच होती है जिसमें जनता की भी सुनी जाएगी, सरकारी अभिलेखों को भी देखा जाएगा और यदि अधिकारी अपना बात कहें तो उनकी बात भी सुनी जाएगी, तभी सम्यक निष्कर्ष निकलेगा कि क्या क्या कार्रवाई सही थी, क्या क्या कार्रवाई गलत थी, क्या सही है क्या गलत है। ये जांच रिपोर्ट कब तक पूरी हो जाएगी? अभी तक तो मैं आपके सामने ही हूँ, आधे बयान हुए हैं। अच्छा, लगभग 3 घंटे आपको करीब क्या कहते हैं समस्या सुनते हुए हो गए, तो अभी तक जो है प्रथम दृष्टया क्या निकल के आ रहा है? आपने अभी तक तो जितने लोग मिले वो एक पार्टी विशेष के ही विभिन्न तरह के संगठन मिले हैं। कौन सी पार्टी विशेष के? अभी आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह पहचानते होंगे। मुझे तो नाम तो नहीं मालूम ना। मुझे तो कागज देखने पड़ेंगे। अच्छा,
अगर उसमें कोई इंडिविजुअल या किसी अन्य पार्टी, मैंने तो अखबार में इसकी सूचना दी है कि जिस किसी को भी जो कुछ कहना है वो आवे डाक बंगले पे, अपनी बात कहे, मैं उसकी बात सुनूंगा। अच्छा, यूपी के बिजनौर में पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पुलिस और प्रशासन ने शुरू कर दी है। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं, 1 किलोमीटर तक के दायरे में बैरिगेटिंग लगा दिए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स के साथ मीडिया के अलावा कलेक्ट्रेट भवन में उम्मीदवार के साथ 4 समर्थकों के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन और पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने की जुगत में मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महेश शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा का यह वीडियो सिकंदराबाद इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में अवैध हथियार ले जा रहे एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर आगामी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध हथियारों की सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने एक हथियारों का तस्कर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में को प्रभावित करने के लिए उसने हथियार खरीदे थे और यहाँ सप्लाई करने के लिए ला रहा था। क्या पूरा मामला ये है, ये आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चौराव में एक आदमी है जो अवैध हथियारों को सप्लाई करता है और जिससे कि लोकसभा चुनाव प्रभावित हो। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस के द्वारा जो SSI के हमरा SSI लोकेंद्र के हमरा गश्ती में जाते हुए लोगों को ये व्यक्ति जो रास्ता पीर चेगड़ा वाला है, चेगड़ा पीर से चिलावा जाने वाला रास्ता है, वहाँ एक इंडिका कार जाते हुए दिखाई दी। उन्होंने उसको रोका, रोकने के बाद उसने तलाश ली तो उसमें एक अफसर नाम का व्यक्ति मिला और जिसके पास अवैध शस्त्र उसकी गाड़ी में रखे हुए थे और रखे हुए थे। उन्होंने उनको चेक किया तो उसमें जो है एक बंदूक भी थी, 12 बोर, उसके 4 कारतूस थे, उसी के साथ उसमें देसी तमंचे भी थे, तमंचे 315 बोर का, उसमें 2 कारतूस थे, साथ ही एक रिवॉल्वर भी थी पुरानी, वो भी 32 बोर की, उसके भी 4 कारतूस थे। अफसर ने पूछताछ में क्या बताया, किसको सप्लाई करने जा रहा था, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, वो उसका बताया नहीं। उसने ये कह रहा कि हम सर उनको मतलब ये उनको बेचने जा रहा था और इसका एक ढूंढा था और जब उसकी पूछताछ गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सर ये मुझे जानकारी में आया कि मेरे लड़का इसको लेके आया था और इनको मुझे भाव बेचना था जिससे कि लोग उसको अपना चुनाव के दौरान इस्तेमाल कर सकते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद पुलिस ने लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे असलहों का निर्माण करने वाली असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कामयाबी में पुलिस को भारी मात्रा में बने आदमी ने तमंचे के साथ साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और 3 आरोपी हत्थे चढ़े हैं। बताएं जी, बीती रात में थाना अमरोहा देहात की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक जंगल में बैठकर अवैध हथियार का निर्माण कर रहे थे। इनके कब्जे से 1 पिस्टल, 5 निर्मित तमंचे, 1 अर्धनिर्मित तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए। साथ ही इनके पास से तमाम उपकरण बरामद हुए जिनसे कि अवैध तमंचे बना रहे थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने इनसे डिमांड की थी असलहों की, जिसके आधार पर ये निर्माण कर रहे थे। जो युवकों के नाम बताए हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल वो फरार हैं, उन्हें भी पकड़कर पूछताछ की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार 3 युवकों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। सब तक के लिए नमस्कार।